झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिमला के तत्वाधान में माताजी चौक में मंगलवार रात को विजयदशमी के अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। खानपुर से आए कवि वीरेंद्र श्रृंगी ने सरस्वती वंदना से की। हास्य कवि दौसा से आए अनुराग प्रेमी ने अपनी हास्य रचना श्रोताओं को गुदगुदाया। मंदसौर के कवि कुलदीप नागर ने ठहाकों के साथ बेटी बचाओ का संदेश दिया। रतलाम के कवि रविराज कुमावत ने वीर रूपे से भरी माँ भवानी की कविता सुनाई। हरौती के कवि शिवचरण सिंह शिवा ने बेटी को कोख में मत मारो गीत सुनाया। कोटा के कवि सुशील करवार ने धूम्रपान निषेध पर हास्य व्यंग्य के द्वारा संदेश दिया। हरौती के कवि हेमराज मालवी ने सासू सुनतारी बेटी की बात श्रृंगार गीत सुनाया। सुनेल की कवित्री आशा रानी जैन ने हर कदम पर कंटकों से लड़ती रही बेटियां गीत सुनाया। भवानी मंडी के कवि रामनारायण नागर ने भी हास्य व्यंग्य से श्रोताओं को गुदगुदाया। सोयत के कवि डॉक्टर सुरेश सिंह ने कच्चा चिट्ठा खोलू गांव में भारत के गद्दारों का गीत सुनाकर मां भारती की वंदना की। सुनेल के कवि भैरव चौहान ने हास्य व्यंग के साथ कविता पाठ व मंच का संचालन कर श्रोताओं को गुदगुदाया। कवि सम्मेलन तक के 4 बजे तक चलता रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिमला सरपंच शोभाराम गुर्जर ने सभी कवियों का माला पहनाकर स्वागत किया। खबर आपकी राजस्थान से सौरभ जैन की स्पेशल रिपोर्ट। तिरंगे कमान लिए देश के जवान को अपार लाड़ दीजिए। देश का नमक